ये घर वीर के रेंट में कोई खर्चा करे, सब जाएगा बैंक अकाउंट में इंडियन रुपीज में। अब हम वॉक करके जाते, ऐसा बोला मतलब रुक तारी भाई वॉक करने में टाइम कितना लगता है? तारी बोला यही कोई 40-45 मिनट, 40-45 गोइंग, 40-45 कमिंग, 2 घंटे का वॉक। तो हेलो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप में से जो लोग हैं वो सोच रहे होंगे कि मैं बिंडी लेके क्या कर रहा हूँ सड़क के बीच में, तो उनको बता दूँ कि मैं अभी ऋषि के घर के बाहर खड़ा हूँ। और ऋषि के घर के बाहर मैं भिंडी लेके क्यों खड़ा हूँ वो राज अगर आपको जानना है तो इस वीडियो का पार्ट 1 देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि पार्ट 1 में मैं ये भिंडी की शॉपिंग करने गया हूँ, तो वो राज जानने के लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। और अभी मैं ऋषि भाई के घर के बाहर क्या कर रहा हूँ, वैसे आज सुबह मैंने ऋषि भाई को फ़ोन किया था कि आज हेलोवीन का टाइम है, रात को तो कुछ पार्टी करेंगे नहीं कोरोना के हिसाब से, बट मेरी चिल्लाने वाली आवाज़ सुन के ऋषि भाई एकदम तैयार खड़े उधर, और हम फिनिश करते हैं। तो प्लान ऐसा हुआ कि मैंने ऋषि भाई को बोला ज़्यादा नहीं कुछ लंच साथ में करते, देखते हैं कि मॉल्स वगैरह में माहौल कैसा है। तो आज का वही प्लान है, और आप देख सकते हो मैं इतना ज़ोर से बात करता हूँ कि ऋषि भाई फट करके आ गए। ये है ऋषि भाई की एंट्री फिर से। तो अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया दोस्तों कि हम आज क्या करेंगे, तो पहले तो जाता हूँ ऋषि भाई के घर में, भिंडी रखता हूँ, हम डिसाइड करेंगे कि आज का प्लान क्या है और उसके बाद आपको बताते हैं। सो दोस्तों अभी लाइटनिंग का तो शोर नहीं है, ऋषि भाई ने लाइट लगा दी है। तो अभी कैसे हो रहा है कि ऋषि भाई और मैं सोच रहे थे कि थोड़ा घूमने जाते हैं मॉल वगैरह में, तो तारीफ भाई जहाँ रहते हैं उसके नज़दीक में अच्छा मॉल है। तो ऋषि ने 2-3 बार तारीफ भाई को फ़ोन ट्राई किया, तो तारीफ भाई ने फ़ोन उठाया नहीं, बट अभी मैंने व्हाट्सएप पे चेक किया ऑनलाइन दिख रहे हैं। तो तारीफ भाई को ऐसे मैसेज किया मैंने कि तारीफ भाई इतना बड़ा सीन हो गया है, क्या कांड हुआ है, तुमको पता चला नहीं पता चला, हाँ ऐसा कैसे किया तुमने, और ऋषि का फ़ोन आया नहीं आया तुमको। अभी जैसे ही मैसेज देखेंगे कॉल करना चाहिए, तो देखते हैं कि कॉल करते हैं कि नहीं करते हैं उनको, ये ट्रिक वर्क होती है नहीं होती। ये देखो एक सेकंड मैंने मैसेज किया है बट कॉल डायरेक्ट ऋषि का है। ये है हमारे तारीफ भाई का दिमाग, समझे? इसको बोलते हैं अगर ऐसा हो दोस्तों कि दोस्त ऐसा फ़ोन नहीं उठा रहे तो ऐसा डरा दिया करो। है अभी बोला कि मैंने क्या मैसेज किया, मतलब मेरे को वो अभी कैसे सीन हुआ, मतलब तारीफ भाई का फोन आया तो सीन नहीं हुआ था, मतलब व्हाट्सएप में पता चलता है ना मैसेज गया है वैसा, तो मतलब ठीक है लगता है तारीफ भाई ने मैसेज नहीं देखा होगा तो मैंने डिलीट कर दिया। तो अभी फटक से इसको पूछा कि क्या सीन क्या हुआ है। सो दोस्तों यही प्लान है, तारीफ भाई अभी नहा रहे हैं सैटरडे इसलिए आराम से नहाते हैं, तो तारीफ भाई लोकेशन भेजेंगे, हम तारीफ भाई के घर पे जाएंगे। वैसे तारीफ भाई को आप सभी जानते हो, अगर मेरे आप सारे वीडियो देख रहे होंगे तो आप तारीफ भाई को जानते होंगे, बट मैंने नाम नहीं लिया उनका कभी, बट बहुत ही होनहार इंसान है, आपको मिलाएंगे, हमारे खास है वो, और बहुत कुछ सीखा है हमने उनसे, क्यों झूठ बोले, तो तारीफ भाई से मिलेंगे। बट ये है दोस्तों ये ट्रिक देखो, मैसेज रीड नहीं, वो नोटिफिकेशन कैसे आता है दोस्तों, वो नोटिफिकेशन से मैसेज रीड कर दिया और इसको डायरेक्ट कॉल किया। तो ये ट्रिक अगर आपका भी दोस्त न उठाए तो ऐसा ही कुछ दूसरे दोस्त से मैसेज करवा दीजिए, तुरंत फोन आएगा। दोस्तों यही सीन है, हम तारीफ भाई के घर पे जाएंगे, वहां से मॉल जाएंगे और देखेंगे क्या करते हैं, आपको हम वी विल कीप यू अपडेटिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं ऋषि भाई आगे बैठे हैं, मैं पीछे बैठा हूँ, हाय बोल दीजिए। हाय दोस्तों, तारीफ भाई की बात हो गई मेरे से, अभी तारीफ भाई ने फोन किया था मेरे को, तो तारीफ भाई बोलते क्या यार कुछ भी बोलता है, वैसे तारीफ भाई कभी कुछ कांड करते नहीं है फिर भी बोलते टेंशन क्यों देता है, मैं नहा रहा था बिना टॉवल के वाला फोन करो तेरे को। तो अभी तारीफ भाई से बात हुई, हम लोग तारीफ भाई के घर पे जाएंगे, देखेंगे, तारीफ भाई हमेशा चाय तो पिलाते हैं, चाय भी पियेंगे, उसके बाद मॉल जाएंगे और थोड़ा घूमेंगे। दोस्तों हम लोग इधर तारीफ भाई के घर के पास पहुँच गए हैं, तो हम लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं उनका घर कहाँ है, वो रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं, तो हमको उन्होंने अपना लोकेशन भेजा था, तो करीबन और ट्रैफिक इतना था दोस्तों कि 1 घंटा हम लोग ड्राइव कर रहे थे, और नहीं तो 20 मिनट्स का राइड है यहाँ, बट 1 घंटा लग गया। और तारीफ भाई ने हमको कहा कि यहाँ मार्केट के पास खड़े रहो, पीछे ऑटो मार्केट है, मार्केट है अपने इधर कैसे रहते हैं डीमार्ट वगैरह वैसा ही है, तो वहाँ हम वेट कर रहे हैं। ऋषि अभी तारीफ भाई को फ़ोन कर रहे हैं और देखते हैं तारीफ भाई की चाय पियेंगे घर पर जाके। आगे जाओ और वो देखो खड़े हो उधर एकदम छुटके से दिख रहे होंगे। तो अभी तारीफ भाई हमको उल्लू बना दिए, अभी हम लोग फिर से चल के बाहर जा रहे थे, हम लोग एकदम पीछे गए थे उधर, अच्छा हुआ तारीफ भाई दिखे थे, हम लोग वापिस आ रहे हैं तारीफ भाई के इधर। भाग क्या हो, ये हमारे तारीफ भाई, हमारे खास है, हमारे गुरु जी है। अच्छा से इधर मतलब मिट्टी में पैर मत, नहीं
देखो तारी भाई बोले मिट्टी पे पैर मत रखना, वही ना फर्श खराब हो जाएगा, तो उतना सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है हमको। तो भी तारी भाई आपका घर रिकॉर्ड करे नहीं करे? तारी भाई ने परमिशन दे दी है घर रिकॉर्ड करने की। वैसे घर उतना अच्छा नहीं है, गरीब खाना ही है। गरीब खाना मतलब अभी समझ लो बेटा, तारी भाई बड़े चतुर इंसान है। ये घर वीर के रेंट में कोई खर्चा करे सब जाएगा बैंक अकाउंट में, इंडियन रुपीज में। इधर आ गया तारी भाई घर पे। तारी भाई घर बड़ा स्ट्रिक है, हम सबको चप्पल उतारने लगे। और तारी भाई देखो, ये तारी भाई का प्यार है दोस्तों। देखो जल गया मेरा पूरा। ये देखो मैंने पहले ही बोला था आपको कि तारी भाई घर पे जाएंगे तो चाय मिलेगी, मतलब चाय के साथ साथ कुछ फ्राई मच्छी है। तारी भाई क्या है? नहीं चिकन है, चिकन फ्राई कर रहा था। फ्राइड चिकन है। देखो तारी भाई का घर है दोस्तों, ये तो ये देख सकते हो, ये तारी भाई का बिस्तर है, वो तारी भाई का बाथरूम है, ये तारी भाई का लैपटॉप है, और तारी है तारी भाई का एलेक्सा है। तारी भाई नहीं एलेक्सा ऑर्डर किया अभी तक आया नहीं। ओके मैंने एलेक्सा नया वाला वर्जन ऑर्डर किया है, जो प्री ऑर्डर मैंने किया। देखो तारी भाई भी देखो, एलेक्सा का नया वर्जन रिलीज भी नहीं हुआ अभी तक, वो ऑर्डर करके बैठे प्रीमियम में। सुनो ना, दो कर दो ना उसको। क्या क्या? दो 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 क्या? दो क्वांटिटी कर दो उसको एलेक्सा को। ओके ओके, तो ऋषि बोल रहा है कि उसको भी एलेक्सा चाहिए। दोस्तों ये है अपना तारी भाई का घर, तो आप घर देख के समझिए नहीं है, बहुत चतुर इंसान है। और घर पे बिल्कुल मत जाना दोस्तों, हम सबसे सैलरी ज्यादा है उनकी, और समझ लो आप क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। तो बस यही है दोस्तों, अब तारी भाई से थोड़ी बातचीत करेंगे, अगर कहीं बाहर निकलने का प्लान बने तो बताते आपको। हमारे तारिक भाई का प्यार, ये प्यार थोड़ा जल गया है क्योंकि दो तीन बार बातों में हमने उलझाया रखा उनको, बट यही खाएंगे हम। और इसके साथ चाय, मजा आ जाएगा। और तारिक भाई चाय तो इतनी अच्छी बनाते हैं कि चाहिए तो खुद एक कपड़ी डाल सकते हैं। सो दोस्तों, ये ऋषि ने रिक्वेस्ट किया है तारिक भाई से कि तारी भाई का पेट बिल्कुल मत देखना, अभी ऑफ सीजन चल रहे हैं। लोग रहते हैं ना कि जब भी एक ऐसा, आपको पता नहीं रहेगा शायद कंसेप्ट के, पता नहीं ऐसा बोलते लोग ऑफ सीजन। अगर रॉकी की मूवी देखे रहेगी तो पता है कि उन लोग है ना, एक ऐसा टाइम आता है साल का जब वो लोग वर्कआउट वर्कआउट करते नहीं और पेट वेट बाहर आ जाता है, वो लोग उनको ऑफ सीजन बोलते हैं। तो अभी तारिक भाई का वही समय चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कुछ खाना है, मतलब खाना पीना तो बहुत अच्छा है, तभी पेट है। बट चलो पॉइंट ऐसा है दोस्तों कि ऋषि ने तारी भाई से रिक्वेस्ट की है कि पियेंगे तो अदरक वाली चाय पियेंगे, तो तारी भाई ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके अपनी स्पेशल चाय के अंदर ही अदरक डाल के बनाना शुरू कर दिया है। बहुत ही मजबूत चाय बना ली है। नो चाय गिरा हुआ है क्या उसका? सही जगह चाहिए उसको। अच्छा। नहीं, जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तारी भाई, मतलब मैं वो टेक भी रख सकता हूँ, बट अननेसेसरी टेक क्यों खराब करो। बोले तारी भाई पे क्वेश्चन आया अदालत गिरा दिए। रुको रुको, नहीं ये तो नेचुरल लग रहा है, मैं काम करूंगा, ये टेक रख देता हूँ। तारी भाई आप भाग के, देखो तारी भाई का प्यार कैसा है। देखो मैं ये टेक रखने नहीं वाला था ये वीडियो में, बट तारी भाई दौड़ के आए हमारे वीडियो के लिए, मतलब मेरा दिल भरा है, तो मतलब ये वीडियो में रखेंगे अपन। ठीक है चलो, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई, बट आपने इंस्टेंटली आके दिल जीत लिया, और मैं दोस्तों को दिखाना चाहता था, देखो तारिक भाई का प्यार पूरा चमका दिया एरिया मेरे सेकंड टेक के लिए, बट अभी अभी सरप्राइज ऐसा है कि सेकंड टेक नहीं होगा। बहुत अच्छी चाय बनी है, मतलब मैं तारिक भाई की चाय का दीवाना हूँ। जब तारिक भाई के साथ रहते थे तो मैं कभी चाय बनाता ही नहीं था, ऐसे भी अभी भी नहीं बनाता चाय, बट तारिक भाई के साथ चाय पीने का मौका मिलता था। एक जोक बना, बहुत हंसे हम लोग, बोला चलो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अभी हम लोग का मॉल जाने का प्लान है जैसे आपको बताया, तो ऋषि ने तारी भाई को पूछा कि यहाँ मॉल कितना दूर है, तो तारी बोला ना पास ही है, हम लोग रोज़ शाम को वॉक करके जाते हैं, तारी भाई के पड़ोसी कुछ है इधर। तो ऋषि बोला ठीक है वॉकेबल रहेगा, तो बोला रुक तारी भाई अब हम वॉक करके जाते, ऐसा बोला, मतलब रुक तारी भाई वॉक करने में टाइम कितना लगता है? तारी बोला यही कोई 40-45 मिनट, 40-45 गोइंग, 40-45 कमिंग, 2 घंटे का वॉक। तो ये हमारे देखो ये यू होता है पर्सनली जानने का तरीका, मतलब ये वो तारीफ भाई को पूछना है तो तारीफ भाई के लिए 2 से 10 किलोमीटर ही वॉकेबल है। तो यही सीन है दोस्तों, तो तारीफ भाई रेडी हो रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं हम लोग 40 मिनट का कुछ वॉक वगैरह करेंगे, तो उबर बुक करेंगे, मॉल में जाएंगे, आपको भी थोड़ा घुमाएंगे, और स्पेशली तो मैं आपको इंतज़ार करना है यहाँ के खाने के प्राइस दोस्तों। अरे बाबा बाबा, एक रोटी का प्राइस देखोगे पागल हो जाओगे।
तो दोस्तों अभी हम लोग निकल गए तारिक भाई को एक पास ही में एक शॉप है पैकिन एमेंडो में, जैसे जिधर सब होलसेल में सामान मिलता है, तो हम लोग उधर जाएंगे। तारिक भाई का एक टी शर्ट है जो खरीदे थे तो फिट नहीं हो रहा था उनको प्रॉपर, और तारिक भाई ने अपने दो पड़ोसी से मिलाया, एक नीरज भाई और रंजीत भाई करके, बट क्या हो गया। और ऋषि भाई आप भी फ्रेम में आओ, कुछ बोलो आप पब्लिक को। तो कैसा सीन हुआ कि मेरे हाथ में कैमरा तो था दोस्तों, बट मैं आपसे नहीं मिला उनको, क्योंकि फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, हाथ में कैमरा था, लोग देख के वही सोच रहे थे बंदा करता क्या है, और उनको बात करते करते हाथ भी मिलाते हैं, मगर रिकॉर्ड करता तो थोड़ा ऑकवर्ड फील होता। बट नेक्स्ट टाइम में यहाँ क्रिकेट खेलते वो लोग, तो संडे के दिन अगर मैं कभी क्रिकेट खेलने आया तो आपको ज़रूर मिलाऊंगा उनसे। मेरी मेमोरी की वजह से तारिक भाई का फ़ायदा हो गया, वो जो कपड़े की थैली थी जो आपको मैंने बताया टी शर्ट, वो तारिक भाई घर के बाहर ही भूल गए थे, वो मैंने वीडियो में बोला था चुमड़ी में जाके लेके आए। सो दोस्तों हम इधर पहुँच गए, पोकिनो मेंडो बोलते हैं, तो ये वन ऑफ द ऐसी शॉप है यहाँ जहाँ आपको सब माल होलसेल में मिलता है। तो आपको मैं इधर कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ। सो ये देख सकते हो दोस्तों, ये पूरा पार्किंग एरिया है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिटिल वर्ल्ड। पोकिनो मेंडो मतलब अगर आप स्पेनियल से इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो छोटी सी दुनिया होता है दोस्तों, लिटिल वर्ल्ड। मतलब ये जो पूरा दिख रहा है कारखाने जैसा, बाहर से एकदम घटिया सा, एकदम अगली सा दिखता है, बट अंदर जाओगे तो सब सामान जितना आपको चाहिए सब सस्ते में मिलता है दोस्तों। तो इधर लाइन में लग गए हम लोग, चल आप पीछे भी देख पा रहे होंगे बहुत सारे लोग हैं, आगे भी देख पा रहे होंगे तारिक भाई और ऋषि खड़े हैं, उसके भी आगे लोग हैं, हाथ भी धो रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। तो अंदर का नज़ारा दिखाऊंगा, बट हाँ हाथ भी धो के रहिए, एक बार ये वायरस भी इसका टाइम चले गया, उसके बाद जो करना है कीजिए। तो अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आज मैं स्पेशली ये दुकान रिकॉर्ड करने नहीं आया था, बट अपने को टाइम मिल गया है, तारिक भाई इधर लेके आए हैं। अब लोग मेरे को देख रहे हैं क्योंकि हिंदी भाषा यहाँ कोई बोलता नहीं है ना, तो आप पीछे देख पा रहे होंगे। मैं एक काम करूँगा, आपको फटक से एक छोटा सा 10-20 सेकंड का टूर दे देता हूँ टप करके फास्ट में, और आप देख लो कैसा रखा है, और फिर अपन बात करते हैं, ठीक है? सो दोस्तों बस यही है, और मुझसे जितना हो सका था फास्ट में आपको दिखा दिया है। अब इतना फास्ट फॉरवर्ड में आपको पता नहीं चला होगा, बट आप देख सकते हो कि यहाँ सामान किस तरीके से लोग रखते हैं और किस तरीके से बेचते हैं। अब मुझे लगता है तारिक अपने कपड़े वपड़े रिप्लेस कर लिए होंगे, क्योंकि मैं यहाँ से 5 मिनट के लिए आया था, तो आपको थोड़े से यहाँ के प्राइस दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम देखेंगे, हम मॉल की तरफ निकलेंगे, ठीक है? तो यहाँ कुछ लड़कियों का सेक्शन है, तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो चीज़ है इसकी कीमत है 5200 कलोन। तो इसकी कीमत कितनी होगी रुपीस के अंदर, मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप मेरी स्क्रीन पे देख पाओगे, क्योंकि अभी मैं कैलकुलेशन करने बैठने नहीं वाला क्योंकि काफ़ी लोग हैं यहाँ। तो यही देख सकते हो 6500, 7500, सामने देखोगे खिलौने हैं। सो दोस्तों यही रेंज में यहाँ सब सामान है, 5000, 6000, 7000। उस दिन आप पैसे ही वापस कर दिए। देखो तारिक भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो, तारिक भाई ने रिप्लेस करने आए थे, तारिक भाई का फ़ायदा हो गया, पैसे वापस दे दिए। तो ये यहाँ अच्छा होता है, रिप्लेसमेंट पॉलिटी यहाँ पॉलिसीज आजकल अच्छी खासी इंप्रूव हो रही है। यहाँ खिलौने देख लो, अभी आप देखोगे ये छुटकी सी कचकड़ी की गाड़ी देखो 4500 कुलन की। ज़्यादा वक्त हम यहाँ जाया नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें अभी मॉल की तरफ भी निकलना है। सो यही है, अगर आप यहाँ के प्राइजेस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मेरा एक वॉलमार्ट का वीडियो बनाया है मैंने, आप मेरे चैनल पर जाके वो वॉलमार्ट का वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लोर किया है कि यहाँ की प्राइजेस कैसी होती है। पहुँच गए मॉल में, और वहाँ पीछे वाली औरत जो खड़ी है उसने इशारा दे दिया है कि हाथ धोके तो तुमको अंदर जाने मिलेगा नहीं। कोई बात नहीं, इनको हमारी भाषा समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं। तो ये हाथ धो लिया है, अब तो मुझे तो पता नहीं कि वो लोग कितना हंस रहे थे मेरे पे, बट मैं जब ये फुटेज देखूंगा तब मुझे पता चलेगा कितना हंस रहे मेरे पे। रुक गए हम लोग खाना खाने से पहले, क्योंकि मेरे पास कार्ड रीडर नहीं है दोस्तों, तो मैं जब भी जो कैमरे से जो भी अपना डेटा लैपटॉप में डालता हूँ तो काफ़ी वक्त लगता है, तो मुझे एक कार्ड रीडर खरीदना था। इससे क्या मैं मेमोरी कार्ड चेंज करूँगा तो फटक से वो लैपटॉप में कॉपी पेस्ट जल्दी हो जाएगा, तो उस हिसाब से मैं खरीदने के लिए यहाँ आया हूँ। और ये भाई मुझे दिखा रहे हैं दोस्तों, अपना लक नहीं बना, मैंने उसको फ़ोटो वीडियो भी दिखाया कि भाई अपने को ये वाला मेमोरी कार्ड है, इसका कार्ड रीडर चाहिए, तो लकीली अनलकीली अपने को कार्ड नहीं मिला। तो दोस्तों पहले तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा मॉल दिखा दूं, बट मैंने देखा कि इंडिया से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, और आज मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें आपको दिखा दी है,
तो पीछे आप देख सकते हो यहाँ का ताजमहल रेस्टोरेंट है और काफ़ी फेमस है। हम जल्दी खाना खाने आते हैं, इंडिया का तो यहीं आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैं थोड़ा फिर भी बोला जहाँ खड़ा हूँ आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूँ। ये यहाँ का फूड कोर्ट है ऑक्सीजन मॉल का। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ नीचे बच्चे खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बहुत ही अच्छा माहौल है। तो अभी हम भी खाना खाएंगे। तारीफ बैर वो अंदर ही चल रहे, फ्रेश हो रहे हैं, अभी खाना खाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ के प्राइस कितने हैं, और एटलीस्ट मेरे लिए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, बट कुछ ऑप्शन नहीं है अपने को। अगर आना है तो यही प्राइस देना पड़ेगा। और थ्रू ओवर कोस्टा रिका में अगर आपको इंडियन फूड खाना है तो जो मैं प्राइस दिखाऊँगा वही है यहाँ का प्राइस। सो दोस्तों, करीबन 5 मिनट ढूंढने के बाद अपने को वॉशरूम मिला है। तो यहाँ थोड़ी सी फंकी सी चीज़ दिख रही थी, मैं बोला तुमको थोड़ा घुमा के दिखाऊँ इधर भी। ये बच्चे लोग का खेलने का एरिया है, एटलीस्ट लग रहा है ऐसा। वो देखो, आप देख सकते हो। यहाँ छोटी सी गाड़ी, सामने दुकान है। तो फाइनली अपने को उधर वॉशरूम मिल गया है। तारीफ और ऋषि भी दिख रहा है। तो अब जाएंगे, तुम्हारा भाई हल्के होएंगे और फिर मिलेंगे आप लोग। इधर अभी ऋषि भाई ऑर्डर दे रहे हैं, आप देख सकते हो। लच्छा पराठा भी जो है ना, ठीक। मैं भी सिर्फ एक ही। तो खाना डिसाइड हो गया। एक दाल मंगाएंगे, एक पालक की सब्जी मंगाएंगे, एक लच्छा पालक नहीं है, हाँ चिकन पालक, एक चिकन पालक है, एक साग है। वही है रे, सब एक ही है क्या? एक ही आइटम है वो। हाँ हाँ, प्लस एक दाल है। हाँ हाँ, प्लस 3 पराठा है। हाँ हाँ, प्लस 2 नान है। ठीक है, मतलब समझ लो 2 सालन है और एक नान और एक पराठा है। अब जब आएगा तो एक कैमरा घुमा दूंगा, बट आपको मैं थोड़ा प्राइस दिखा देता हूँ दोस्तों। इंडियन फिर वो दाल और सब्जी के हिसाब से फिर राइस या बिरयानी जो है लास्ट में डिसाइड करते हैं, है ना। कश्मीरी पुलाव भी है, जीरा पुलाव भी है। तो दाल ना, दाल खाना। अरे तो दाल ही आपके ऑटो मत करो, से ये वाली उठाओ ना, मसूर दाल। नहीं, घर में है दाल, बनाने को नहीं आता था। दाल से कुकर है फिर तो कुछ है ही नहीं टेंशन के। ठीक है, कल बनाते हैं। ऑफिस आते हैं। प्याज लहसुन अदरक, तो यही है अपना मेन्यू। आपको स्क्रीन पर मैं प्राइस डिफरेंस दिखा दूंगा कि कोलंस और सीआरसी में कितना फ़र्क होता है। अभी ऋषि भाई बोल रहे हैं एक स्टार्टर भी मार देंगे। ठीक है, एक स्टार्टर भी मार देते हैं। खाना आने के बाद आपको वीडियो दिखा देता हूं और फिर एंड में आपको रुपीज़ में कितना पैसा लगा इतने खाने का वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये है हमारा चिकन तंदूरी और वहाँ आप अगर देखोगे तो ये है हमारा चिकन 65। तो यही होगा अपना स्टार्टर, चिकन तंदूरी पूरी सपाट कर दी है। और खाना है वो भी आपको दिखा दूंगा, क्योंकि आपको बिल बताना है कितना होता है खाने का। सो ये अपना जो बोला था आपको पालक वाला चिकन, ये है, ये अपना पराठा है, मांस कटा रहा हूँ, सॉरी। ये भी ये नान है, ये लच्छा पराठा है दोस्तों। सब एक वो नान है ना, कुछ आइटम बचा है क्या? और ये दाल है दोस्तों, बस इतना ही खाना है अभी तक के। तो फिलहाल तो दोस्तों अभी तक तो इतना ही है, शायद हमने ऑर्डर भी बस इतना ही किया है। तो हम ज़्यादा भुक्कड़ लोग हैं नहीं, मतलब हम लोग का पेट जल्दी भर जाता है, हैपेटाइट बहुत ज़्यादा कम है, हम ज़्यादा खाना नहीं खाते। मगर देखते हैं, अगर और कुछ ऑर्डर किया तो वही बताता हूँ आपको। खाना वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा सा दाल बचा था, देखो दाल भी पैक करवा दिया और पालक की सब्जी बची थी वो भी पैक करवा दी। तो दाल तारीफ भाई की फेवरेट है, तो तारीफ भाई लेके जाएंगे। पालक मेरी फेवरेट है और मैं लेके जाऊँगा, और ऋषि का कुछ भी फेवरेट नहीं है तो वो कुछ भी लेके नहीं जाएगा। सो दोस्तों, अपना बिल आ गया है, तो आपको बिल दिखाते हैं कि जो 2-3 आइटम मंगाए थे उसका खर्चा कितना हुआ है। ठीक है, ये अपना बिल। सो दोस्तों देख सकते हो, ये अपना बिल आ गया है। आप चाहिए तो ट्रांसलेट में ट्रांसलेट करके देखना, टोटल 40,000 कोलोन्स। आप चाहिए तो गूगल पे जाके देख सकते हो CRC to INR कितना होता है। ये रकम है करीब करीब 5,000 रुपये।
मतलब अब लमसम देखोगे तो 4,900 समथिंग रहेगा, बट राउंड फिगर 5,000 पकड़ लो। तो ये जो दो सालन और कुछ पराठे का भाव हुआ 40,000 कोलन, इंडियन रुपीज में 5,000 रुपये। खाना हो गया है तो अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब बाहर की तरफ जाते जाते आपको थोड़ा और नज़ारा दिखा जाए अपना, जो फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ मैं, तो वैसे 10 सेकंड आपको भी घुमा देता हूँ और आप भी इंजॉय कीजिए मेरे साथ। एप्पल की शॉप में ऋषि भाई को एप्पल का प्रोडक्ट खरीदना है तो वो थोड़ा सा फील लेना चाहते थे। अभी मैकबुक प्रो है भाई के पास तो खरीदेंगे एप्पल के प्रोडक्ट, और तारिक भाई को थोड़ा सा काम था, इलेक्ट्रॉनिक शॉप का मिली नहीं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। ये अपना मॉल था हेरेडिया राइट, ऑक्सीजन मॉल हेरेडिया। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही है, और क्या है अभी मैं अभी तारिक भाई के घर पर जाएंगे, तारिक भाई को छोड़ेंगे, उसके बाद मैं ऋषि के घर जाऊँगा, अपनी भिंडी कलेक्ट करूँगा और फिर डायरेक्ट घर पे। तो बस आज के लिए इतना ही है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, कुछ मज़ा आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगली बार हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।